साइंस क्लासेस बाय रंजीत कुमार में आप सभी का स्वागत है। आप सभी पढ़ रहे हैं क्लास 8 का रिवीजन वाला चैप्टर चल रहा है, जिसमें हम लोग चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फ्रो शुरू कर दिए थे। तो हम लोग इसी में हम लोगों ने आगे आज पढ़ना है। हम लोग को ये जानना है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए दोस्त कैसे होते हैं, जिसमें हम लोगों ने ये जाना था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है वह दही बनाने के लिए और ब्रेड, जो हम लोग ब्रेड खाते हैं, जन्मदिन का केक खाते हैं, ये सब बनाने में भी आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बहुत ज़्यादा योगदान है। तो आज हम लोग जानेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कमर्शियल यूज़, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ध्यान देंगे, एक एक पॉइंट पे ध्यान देंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, वाइन और एसिटिक एसिड, जो विनीगर होता है। आप देखते होंगे बाज़ार में आता है अचार, अचार रेड कलर का है ना, लाल लाल टाइप का होता है, उसमें कुछ इस तरह का केमिकल डाला जाता है जिससे वो लाल होता है, ठीक है। उसमें थोड़ी मात्रा में एसिटिक एसिड यानी विनीगर भी डाली होती है, जिससे उसका स्वाद थोड़ा सा मीठा खट्टा टाइप का होता है, ठीक है। एसिटिक एसिड ऐसे स्वाद में खट्टा ही होता है। ईस्ट इज यूज्ड फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाइन। तो वो जो वाइन होता है, अल्कोहल और वाइन शराब, यह जो है कमर्शियल यूज करने के लिए, औद्योगिक रूप से पैदा करने के लिए आपका ईस्ट का इस्तेमाल करते हैं। कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल होता है? ईस्ट का। ध्यान देंगे, ये ईस्ट है। फॉर दिस, इसके लिए पर्पस, यह ईस्ट इज ग्रोन ऑन नेचुरल शुगर। ईस्ट को नेचुरल शुगर में पैदा किया जाता है, मैंने बढ़ाया जाता है, ठीक है। प्रेजेंट इन ग्रेन लाइक बार्ली, वेट, राइस, क्रस्टेड जूस और फ्रूट जूस, ये सब को लेकर के उसमें ये पैदा किया जाता है। टेक 500 ml ब्रेकर फिल्ड विथ 2/3 वाटर, यानी 500 ml आधे लीटर का बीकर लिया गया, जिसमें 3/4 पानी भर देंगे उसमें और डिसॉल्व करेंगे 2-3 tablespoons शुगर का, 2-3 चम्मच चीनी डालेंगे, ऐड हाफ स्पून ईस्ट पाउडर, यानी आधा चम्मच करीब में ईस्ट पाउडर डालेंगे टू द शुगर, शुगर सॉल्यूशन में आधा हम लोग आधा चम्मच ईस्ट पाउडर डाल देंगे। कीप इट कवर्ड इन वार्म प्लेस, किसी गर्म जगह पे इसको 4-5 घंटा छोड़ देंगे, और उसके बाद तब जाके इसको स्मेल करेंगे, उसमें से तीखा गंध, मैंने उसमें तेज गंध आएगा, ठीक है। ये विनीगर टाइप का कुछ गंध आएगा, ठीक है। ये क्या है? अल्कोहल, यानी अल्कोहल आ गया। दिस इज़ द स्मेल ऑफ अल्कोहल, ये अल्कोहल है। अल्कोहल आजकल जानते ही हैं कि अल्कोहल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, वो हैंड सैनिटाइजर, अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर है, बिना पानी के भी आप अपने हाथ को धो सकते हैं। चलिए, तो हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल बाय ईस्ट। दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्सन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज कॉल्ड फर्मेंटेशन, इसको हम लोग फर्मेंटेशन कहते हैं। लुई पास्कल डिस्कवर्ड फर्मेंटेशन इन 1857 में इन्होंने खोजा था। मेडिकल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आज हम लोग जान लें। वेन एवर यू फॉल इल, जब आप बीमार पड़ते हैं, जब कभी डॉक्टर में गिव यू सम एंटीबायोटिक टैबलेट, कुछ एंटीबायोटिक टैबलेट दे देते हैं। आप देखते हैं बारिश के सीजन में आपका गला सूज किया है, आवाज़ नहीं आ रही, या कुछ निगलने में प्रॉब्लम हो रहा है, ये आम समस्या हो गई, आप गलगला कर रहे हैं तभी ठीक नहीं हो रहा है, ऐसे में डॉक्टर क्या करता है, आपको एंटीबायोटिक दे देता है, या आपको बुखार नहीं उतर रहा है, सर्दी खांसी है तो एंटीबायोटिक देता है, ठीक है। कैप्सूल्स और इंजेक्शन, ज़्यादा होने पर परेशानी, इंजेक्शन तक देता है, सच एज पेनिसिलिन, पेनिसिलिन का भी कभी कभी आपको दवा मिलता है। द सोर्स ऑफ दीज मेडिसिन इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनके सोर्स है। दिस मेडिसिन की और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज, ये ग्रोथ ऑफ डिजीज को ये कम कर देता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। इस तरह सच मेडिसिन आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स, इनको एंटीबायोटिक्स कहते हैं। दिस डे ए नंबर ऑफ एंटीबायोटिक, बहुत सारे एंटीबायोटिक्स हैं,
और कुछ अभी ये डेवलप भी हो रहे हैं, बींग प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया या फंगी से प्रोड्यूस किए जाते हैं, जैसे सेप्ट्रामाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और इर्थोमाइसिन। ये आपके सम एग्जांपल्स हैं आपके एंटीबायोटिक्स के। ठीक है, चलिए यहाँ पे एक फिगर है, इनके बारे में केस स्टडी करेंगे। इन 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वाज वर्किंग कल्चर ऑफ डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया। तो ये स्टडी कर रहे थे कैसे बैक्टीरिया पैदा होते हैं, किस तरह से डेवलप करते हैं। सडनली ही फाउंड, इन्होंने अचानक से पाया, स्पोर्स ऑफ लिटिल ग्रीन मोल्ड्स, कुछ स्पोर्स पाया, मैंने कुछ दाने पाए रिप्रोडक्शन वाले, लिटिल ग्रीन मोल्ड्स इन वन हेज कल्चर प्लेट, अपने कल्चर प्लेट में पाया उन्होंने। ही ऑब्जर्व डैट, उन्होंने ऑब्जर्व किया, प्रजेंस ऑफ मोल्ड्स प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, मैंने ये जो मोल्ड्स हैं ये बैक्टीरिया के ग्रोथ को कम कर दे रहे हैं या बंद कर दे रहे हैं। इन फैक्ट इट ऑल्सो किल्ड मैनी ऑफ डिजीज, यहाँ तक कि बहुत सारे बैक्टीरिया मर जा रहे हैं। अब जो ग्रोथ ही नहीं कर रहे तो मरते जा रहे थे। फ्रॉम दिस मोल्ड्स पेनिसिलिन वॉज प्रिपेयर्ड, तो पेनिसिलिन नाम का जो एंटीबायोटिक है इन्होंने ही दुनिया में खोज के लाया था। तो ये आपके अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है जो एंटीबायोटिक के जन्मदाता है। चलिए, कॉमनली नोन एंटीबायोटिक विच आर मेड फ्रॉम फंगी एंड बैक्टीरिया, तो फंगी एंड बैक्टीरिया से एंटीबायोटिक्स बनाए जाते हैं। दीज एंटीबायोटिक्स आर मैन्युफैक्चर्ड, बनाए जाते हैं बाय ग्रोइंग स्पीसीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बढ़ते हुए प्रजाति से ही। मैंने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने के लिए जो एंटीबायोटिक बनाए जाते हैं वो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उनके अगेंस्ट वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म के से ही बनाए जाते हैं, उनके एंटी वाले से। ठीक है, जो शरीर में जाएंगे और कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन जो बैक्टीरिया आपको नुकसान पहुंचाने वाला उसको वो नुकसान पहुंचाते हैं। एंड यूज टू क्योर ए वैरायटी ऑफ डिजीज, बहुत सारे डिजीज का इलाज होता है इससे। एंटीबायोटिक्स आर इवन मिक्स्ड विद द फीड ऑफ लाइफ स्टॉक, लाइफ स्टॉक पॉवर्टी टू चेक माइक्रोबल इन्फेक्शन इन एनिमल्स, यानी जानवर में भी आपका माइक्रोबल जो इन्फेक्शन होता है उसको भी रोकने में मदद करता है। दे आर ऑल्सो यूज टू कंट्रोल मैनी प्लांट्स डिजीज, बहुत तरह के प्लांट्स के डिजीज को भी ये कंट्रोल करता है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट, देखिए अब क्या कह रहा है जो मेन बात, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट एंटीबायोटिक्स शुड बी टेकन ओनली द एडवाइस ऑफ क्वालिफाइड डॉक्टर, कोई MBBS के और डॉक्टर के ही पूछने पर, उनके सलाह पे ही, या कोई अगर मान लीजिए एक दवा दुकान की डिग्री होती है जिसको बी फार्मा कहते हैं, बी फार्मा किए हुए फिजिशियन से ही आप उस दवा के बारे में पूछ लें, रोग के बारे में जान लें, तभी आपको लेना चाहिए। ऑल्सो यू मस्ट कम्प्लीट द कोर्स, और यहाँ तक कि आपको दवा का पूरा कोर्स जो है कम्प्लीट करना चाहिए प्रेस्क्राइब बाई डॉक्टर। इफ़ यू टेक एंटीबायोटिक्स बिन वैन नॉट नीडेड और इन ड्रग रॉन्ग ड्रग, अपने ज़्यादा ले लिया कम ले लिया तो क्या होगा, इट मे मेक द ड्रग लेस इफेक्टिव वैन यू माइट नीड इन फ्यूचर, फ्यूचर में जब उसको जरूरत पड़ेगा तो आपके शरीर पे उसका कम असर होगा। ऑल्सो एंटीबायोटिक टेक अननेसेसरी वे टू किल बेनिफिट बैक्टीरिया, और ऐसे ही कुछ कुछ एंटीबायोटिक होते हैं जो शरीर में फायदा करने वाले बैक्टीरिया को भी नुकसान पहुँचाते हैं। इन द बॉडी एंटीबायोटिक्स हाउ यूवर आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट कोल्ड एंड फ्लू एज दीज कॉज्ड बाई वायरस, कुछ ऐसे भी मैंने बीमारी होते हैं जो एंटीबायोटिक से ठीक ही नहीं होते हैं, वो आपके वायरस से होने वाली बीमारी, जैसे अभी आ रहा है, आया हुआ है ना आपका कौन सा बीमारी, तो COVID-19 जो है जिसको कोरोना हम लोग बोलते हैं, तो कोरोना वायरस से होने वाली डिजीज है। चलिए अगले बार हम लोग रिविजन में वैक्सीन के बारे में जानेंगे। आज के लिए इतना ही, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, फिर मैं आपको ध्यान दे रहा हूँ। एक दिन आपका रिवीजन का चल रहा है और एक दिन आपका आगे चल रहा है, तो आगे में आपको ध्यान होगा, आगे हम लोग अभी क्वेश्चन आंसर करेंगे आपका मेटल नॉन मेटल का। ठीक है,
तो मेटल नॉन मेटल के हम लोग क्वेश्चन आंसर से पहले कीवर्ड आपका अभी आधा हुआ था, आधा बाकी था, तो वो हम लोग करेंगे और उसका फिर क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। तो ये आपके जो दोबारे इसका क्लास होगा रिवीजन वाला, वो होगा संडे को। संडे को मैं वीडियो अपडेट करूँगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और नए बच्चे हैं तो बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।